नहीं, बड़ी बहन हूँ तेज प्रताप, और आज उसका जन्मदिन है, उसको आशीर्वाद देने आई हूँ, और साथ साथ ये भी शुभकामना दिया है कि वो जिस फील्ड में है वो और आगे बढ़े और तरक्की करें, ऊंचाइयों को छुए, यही आशीर्वाद बड़ी बहन होने के नाते मैंने आज उनको दिया है। ये क्योंकि आप देखिए अभी चुनावी मौसम है और बाजार में सिर्फ लालू एंड लालू फैमिली बिकता है, टीआरपी के लिए मीडिया में भी और नेता भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं ये चुनाव मुद्दा विहीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके सहयोगी लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, आप मुद्दे पे आप करिए, परिवार बिल्कुल आपने आज देख लिया जिस तरह से दोनों भाई साथ में केक काटे, मेरी माँ आई थी, हम आए थे, तो परिवार में कोई भी कहीं भी किसी तरह की बात नहीं है, परिवार बिल्कुल एकजुट है, चट्टानी एकता के साथ एकजुट है। और जहां तक रहीम, हमने कहा कि मुद्दे की बात, हम बात कर रहे हैं बेरोजगार नौजवानों के बारे में, हम बात कर रहे हैं देश में महिला सुरक्षा के बारे में, हम बात कर रहे हैं किसानों के बारे में, और यही देखिए आप जो सत्तासीन जो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है सिर्फ एक परिवार पे बात कर रही है। तो मैं मीडिया के भाइयों से भी अनुरोध यही करूंगी कि कम से कम आप लोग जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को आप उठाएं, और इसमें कहीं कोई दम नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, इफ बट नहीं है, लालू फैमिली पूरी तरह से एकजुट है, ना सिर्फ परिवार पार्टी। प्रताप जी बहुत सारे मोर्चे बना चुके हैं, वो DSS और भी बहुत तमाम तरह के संगठन उन्होंने बनाए हैं, और ये आप जहां आप लालू या राबड़ी की चर्चा करते हैं तो ये क्या राष्ट्रीय जनता दल है? उन्होंने खुद इसका जवाब दे दिया था मीडिया पे ही, मतलब टेलीविजन के ऊपर ही इसका जवाब दे दिया था। अब वो अपने घर में आया है, यहाँ रह रहा है, और सब माँ चाहती है कि उसके बच्चे उसके पास रहे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो स्वतंत्र हो जाते हैं, वो अपना डिसीजन खुद लेने लगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उनके क्षेत्र से काफी लोग आते हैं मिलने के लिए, और हमारे यहाँ क्योंकि 10 नंबर में आप देखे बहुत लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ एक सिक्योरिटी सिस्टम है, इनके यहाँ बिल्कुल गेट खुला रहता है, इसलिए लोग आते हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ पर ही दिखता है। कहा रियल RJD तेज प्रताप के घर पे दिखेगा, मीसा भारती के घर पे दिखेगा, रघुवंश प्रसाद सिंह के घर पे दिखेगा, जगदानंद सिंह के घर पे दिखेगा, सिद्दीकी जी के घर पे दिखेगा, रियल RJD राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के एक एक सदस्य। मैंने वही कहा कि मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ मैंने कहा कि उनके पास एक ही मुद्दा है, लालू जी और लालू जी का परिवार और लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। लोग सब RSS के लोग, जब मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि ये महिलाओं के लिए उनके मन में बिल्कुल सम्मान नहीं है, सिर्फ पैर धोने के लिए महिलाओं का ये इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के बयान जो भी देते हैं एक पार्टी लाइन से ऊपर हट के, चाहे वो हमारे दल की नेत्री के लिए हो या किसी दल के नेत्री के लिए। मैं जयप्रदा जी के बारे में भी आजम खान जी ने कहा था तो हमने उस पर भी टिप्पणी की थी कि महिलाओं के लिए कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, और इलेक्शन आप देखिए एक तरफ आजम खां के लिए हाय तौबा मचा के रखी है BJP ने, और इनके लिए चौबे जी के लिए क्यों नहीं हाय तौबा मचा रही है जो कि मुख्यमंत्री रही हैं इस राज्य की, राबड़ी देवी जी, उनके लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग करना, तो ये कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और ये एक तरफ कहते हैं कि हम 33% रिजर्वेशन देंगे, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो इनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है।